मान गया तो तू आखिर यहां पहुंच ही गया इस लड़की के लिए। तो क्या इरादा है? मलिक साहब रिया को जाने दो, वरना जान से मार देगा मुझे, जान से मार देगा मुझे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तेरे साथ जानवरों से ज्यादा बदसलूकी की, तू बर्दाश्त किया इस लौंडिया के लिए, मेरे भाई की जानली मुन्ना को मार दिया इस लौंडिया के लिए, लेकिन तूने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। Why? तूने इस लड़की को क्यों नहीं मारा? एक आवाज है जो मेरे कानों में बार बार गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है, मेरा दिल का सुकून थी उसी ने कहा था, पंछियों को आजाद करो अल्लाह की रहमत बरसेगी, अल्लाह के मुगलों को आजाद करो उसी ने कहा था, कि एक मुस्लिम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला इस पर अमल करने का। मलिक साहब जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते, लेकिन ये बात आप भी समझो आप नहीं। तो ये सब इसलिए कर रहा है कि तू मरते मरते कुछ पुण्य करना चाहता है, तुझे लगता है कि तेरा अल्लाह तुझ पर रहमत बरसाएगा, ऊपर वाला तुझे जन्नत नसीब देगा, बोल। मलिक साहब मुझे जन्नत में जगह नहीं चाहिए, मैं बस इस लड़की को इस जहन्नुम से बचाने आया, मैंने तो मौत का कुछ चुना अपने लिए। अरे कहाँ जा रहे हो? बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब करे और बिना शेयर करे अगर तुम यहाँ से चले गए ना, तो माता रानी पाप लाएगी, मैं तो बता रहा हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।